हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन तब क्रिएट हो जाती है जब हम एमसीक्यू पेपर सॉल्व करते हैं और उस समय मिलते जुलते ऑप्शन दिए होते हैं और हमें ये समझ नहीं आता। अगर हम ठीक से लूप के बारे में जानते नहीं है, हमें समझ नहीं आता और फिर हम गलत टिक करके चले आते हैं और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है जिसमें हमने टिक किया, तो अभी उसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स पे ही कोडिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखता हूँ कोड, यहाँ पे देखिए कोड ब्लॉक्स दिखाई पड़ेगा आपको और इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से एम्प्टी फाइल ले लेनी है हमें। अब यहाँ पर हमें वो कोडिंग करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल बना लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर नीचे आकर के मेन फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ main मेन, फिर एंटर करके नीचे आऊंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा और फिर हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल इंट टाइप का बना ले रहा हूँ और वेरिएबल का नाम रखता हूँ a, और a में क्या करता हूँ, a में असाइन कर देता हूँ 10, एक्चुअली 20 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 20 असाइन कर दिया है a में, और अब हमें यहाँ पे लूप लगाना है। तो आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं। चलिए इस बार वाइल लूप लगाते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने वाइल, और इस बार हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर देन 10, ये कर दिया हमने। और इस बार हम डिक्रीमेंट कराते हैं। अब देखिए यहां लिखूंगा प्रिंट एफ, और अब यहां पर क्योंकि हमने लिया हुआ है इंटीजर, यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमने इंटीजर लिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होगा। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद a उसे यहां पे लिख देना है और यहां पे टर्मिनेट कर देना है। टर्मिनेट करने के बाद अब यहां पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या कराना चाहते हैं वो देख लीजिए। लाइक हम कराना चाहते हैं इंक्रीमेंट, तो यहां पे इंक्रीमेंट करा देंगे। अगर डिक्रीमेंट कराना होगा तो डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहां भी क्लोज कर देते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इसको पहले सेव कर लेता हूं किसी भी नाम से, लाइक मैं कर देता हूं loop1.c, ये कर दिया हमने। अब देखिए यहां से कंपाइल करवाते हैं इसको, तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। और फिर यहां से चलते हैं इसको रन करवाते हैं, तो ये देख सकते हैं ये जो है नेवर एंडिंग प्रोग्राम बन गया है हमारा, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसका कारण क्या है आइए देखते हैं। देखिए इसका कारण ये है कि यहां पर हमने a में रखा है 20, ठीक है, और फिर a is greater than 10 किया है। अब उसको ये नहीं बताया है कि कहां तक ये जाएगा, और यहां इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा। यहां पर हम इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम बन जा रहा है नेवर एंडिंग प्रोग्राम। तो इसीलिए जब हम इसको रन करवा रहे हैं तो कुछ आउटपुट इस तरह का आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में दिक्कत होगी, अब ये एंडलेस चलेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए यहां पर मैं करवा देता हूं। अब क्योंकि कितना स्टोर है, ये देखिए a में 20 स्टोर है, और हमने कहा है a इज ग्रेटर देन 10 बोला है। तो यहां पर अब आकर के यहां पर अगर मैं डिक्रीमेंट करा देता हूं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं। इसको सेव किया हमने, और अब इसको एक बार फिर से यहां से चल के कंपाइल करवाता हूं, तो प्रोग्राम तो हमारा कंपाइल हो ही जाएगा, और फिर यहां से अब रन करवाता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं पहले 20, रुकिए एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट, यहां से गैप दे देंगे कॉमा के बीच में, बस ये सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर जाकर के और फिर कंपाइल करवाते हैं और फिर यहां से रन करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं पहले 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11 तक ये प्रिंट हो रहा है। अब देखिए कहानी क्या है, यहां पर ए में कितना असाइन किया गया, 20 असाइन किया गया। अगर ए में कुछ और भी असाइन कर देंगे, लाइक यहां पर 22 कर देता हूं, तो अब और भी ज्यादा ये चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी वैल्यू प्रिंट होकर आ रही थी उससे ज्यादा वैल्यूज अभी प्रिंट होंगी, कैसे,
पहले इसको क्लोज करता हूं फिर दिखाता हूं आपको, यहां से पहले इसे क्लोज कर लूं। अब देखिए यहां पर चल करके इसको कंपाइल करवाता हूं, ये कंपाइल करवा दिया, कंपाइल तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देख रहे हैं 22 से लेकर के 11 तक प्रिंट हो रहा है। अब ये 11 तक प्रिंट होने के पीछे राज क्या है, 11 तक इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहां पर हमने क्या दे रखा है, देखिए a इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा a इज ग्रेटर देन, और कहां तक है a में क्या असाइन है, 22 असाइन है, तो 22 तक ही प्रिंट करेगा भले ही ग्रेटर देन है, तो a से ग्रेटर कौन है, 11 है, ठीक है। तो इसीलिए ये यहां पे जब भी हम इसको चला रहे हैं तो ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, चूंकि A में असाइन है 22 इसीलिए ये 22 तक ही प्रिंट कर रहा है। अगर A में कुछ और असाइन होता, लाइक यहाँ पे 17 असाइन होता, तो ये और भी कम वैल्यूज को प्रिंट करता, क्योंकि यहां पर 17 असाइन है और यहां पर A इज ग्रेटर देन, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी कंपाइल करवा के, तो यहां से पहले इसे क्लोज कर देता हूं फिर इसको यहां से जाकर के कंपाइल करवाता हूं। तो ये कंपाइल करवा दिया हमने, फिर यहां से जाकर के इसको रन करवा देते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक ये प्रिंट हो जा रहा है, क्लियर है, आई होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।